है, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। कल हमने की थी प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो प्रेपरेशन ऑफ फिनोल में जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो क्या है, दैट इज फ्रॉम हेलोरिन। मतलब हमारे पास हेलो एल्केन जो था उसी की तरह हेलोरिन था, उसकी रिएक्शन करेंगे हेलोरिन की और हमारा क्या बनाएंगे फिनोल। मतलब आपने क्या लिया, आप लेट्स सपोज आप लेते हो क्लोरोबेंजीन, आपने क्या लिया क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, अपने में से एच सोडियम फिनोक्साइड बना देगा, मीन्स बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ओ एन एच, इसको हम क्या बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड, दिस इज कॉल्ड सोडियम फिनोक्साइड, इज फॉर्मेशन सोडियम फिनोक्साइड। और आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, आपको मेन प्रोडक्ट बनाना है फिनोल, आपको मेन प्रोडक्ट बनाना है फिनोल, और फिनोल को बनाने के लिए आपको चाहिए बेंजीन के ऊपर OH। सिर्फ ये NA प्रॉब्लम कर रहा है, जब भी आपको NA रिमूव करना होगा और फिनोल बनाना होगा तो आप हमेशा हमेशा किसकी प्रेजेंस लोगे, आप हमेशा प्रेजेंस लोगे डाइल्यूट HCl की, आप HCl भी है हेल्प लो, ये HCl हमेशा सोडियम फिनोक्साइड को फिनोल में कन्वर्ट करेगा, ऑलवेज कन्वर्ट सोडियम फिनोक्साइड इंटू फिनोल। तो आपने ये स्टेप, आखिरी वाला स्टेप याद रखना है कि सोडियम फिनोक्साइड जो है इसको अगर फिनोल में कन्वर्ट करना है तो हम किसके हेल्प करें, वी टेक द हेल्प ऑफ HCl, वी टेक द हेल्प ऑफ HCl। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट अगर हमें रिएक्शन करनी है, ये तो होगी सिंपल किसकी रिएक्शन चाहिए, दैट इज अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, बट हमने फ्रॉम हेलोरिन, सॉरी नॉट क्लोरोबेंजीन, हेलोरिन, कोई भी हेलोरिन ले सकते, लेकिन हमने क्लोरोबेंजीन लिया है। और आपको चाहिए क्या, क्लोरोबेंजीन में सोडियम फिनोक्साइड डाला, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, आपका बन गया सोडियम फिनोक्साइड, और सोडियम फिनोक्साइड का बन गया फिनोल। तो इजी स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है, फिनोल की प्रेपरेशन बहुत आसान है, क्लोरोबेंजीन लिया NaH डाला बन गया सोडियम फिनोक्साइड, फिर डाला HCl तो हमारा बन गया फिनोल। सेकंड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दूसरी है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहले हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, हम लेंगे पहले बेंजीन और उसकी रिएक्शन करेंगे ओलियम से। तो कोई बच्चा मुझे कमेंट में बता सकता है कि ओलियम का फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ ओलियम, यू हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला इन पी ब्लॉक, जब आप पी ब्लॉक पढ़ रहे थे तब आपने सल्फर वाले टॉपिक में, जब सल्फर ग्रुप पढ़ रहे ग्रुप 16, तब आपने ओलियम सुना था। तो कोई बता सकता है ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, इज देयर एनीवन जो ओलियम का फॉर्मूला बताने की कोशिश करे, सल्फर से बनता था, यस वैभव बिल्कुल सही, दैट इज H2S2O7, यस हरनूर बिल्कुल सही, ये ओलियम था H2S2O7। तो इसके प्रेजेंस में जो हम ट्रीट करेंगे बेंजीन को, तुम्हारा बनेगा सोडियम, तुम्हारा बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हमको पता है सल्फोनिक एसिड क्या होता है, SO3H, SO3, यस मनप्रीत आपका सही है, H2S2O7, तुम्हारा बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये सल्फोनिक एसिड आपने थोड़े दिन पहले हेलोरिन की जब अपने इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की तब भी बनाया था, तब आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल के बनाया था सल्फोनिक एसिड, आज सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे, आज जब डाल रहे हो ओलियम तो क्या बना रहे हो सल्फोनिक एसिड, नब्बी को थ्री आपका भी आंसर सही है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, आपने डालना है NaOH, और ये NaOH क्या करेगा, हमारी प्रेपरेशन कर देगा इसकी फिनोल की, और बाकी सब निकल जाएंगे एस सोडियम सल्फेट बनके रिमूव हो जाएंगे। तो सिंपल रिएक्शन थी, पहली रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन भी करी NaOH से, अब आपने बेंजीन की रिएक्शन करी ओलियम से, और फिर करी NaOH से, दो प्रेपरेशन पढ़ी हमने, पहली पढ़ी फ्रॉम हेलोरिन और दूसरी पढ़ रहे हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और फर्क इतना है, पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपने बनाया है, पहले आपने बनाया है उसके बाद आपने रिएक्शन शुरू की है। नेक्स्ट है फ्रॉम डाइजोनियम, डाइजोनियम सॉल्ट, याद करो ये डाइजोनियम सॉल्ट आपको हेलोरिन में भी आया था, हेलोरिन में जिसका स्ट्रक्चर, पहले डाइजोनियम सॉल्ट को बनाया जाता है, और आपको पता है डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने के लिए आप क्या यूज करते थे, एनिलीन। मैंने बताया था कि एनिलीन जो क्या होता है बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर अमीन ग्रुप लगा दो, वो एनिलीन है, कॉमन नेम एनिलीन है, इसकी रिएक्शन आप करते थे सोडियम नाइट्राइट और HCl से कर लो, या फिर नाइट्रस एसिड से कर लो, एक ही बात है, सोडियम नाइट्राइट स्लैश HCl लिख दो, या फिर नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 स्लैश HCl लिख दो, तो आपका बन जाता है बेंजीन के ऊपर N2Cl, जिसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कोई बच्चा मुझे बता सकता है जो ये रिएक्शन मैंने की है एनिलीन से क्या बना
एनिलीन से मैंने बनाया बेंजीन, डाइजोनियम क्लोराइड। इसके बनाने को क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन है जब हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं क्या? ये रिएक्शन मैंने आपको थोड़े दिन पहले जब मंडे को एक छोटा टेस्ट किया था वहां भी पूछी थी कि अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दें फ्रॉम एनिलीन तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिएक्शन, उस रिएक्शन को क्या नाम बोलते हैं हम? प्लीज ट्राई करें और आंसर जरूर बताएं अपना। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं फ्रॉम फ्रॉम एनिलीन तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिएक्शन को बोलता है, उस रिएक्शन को बोलता है यस, कोई बन जाएगा यस, दैट इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही हरनूर, आपका सर बिल्कुल सही है, ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। जब मना क्या बनाया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ तक होगी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, लेकिन हमने सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड थोड़ा बनाना है, इससे फिनोल बनाना है, तो इसकी रिएक्शन आगे फर्दर करेंगे वाटर से। अभी तक हम कर रहे थे एनएच से, अब करेंगे इसकी वाटर से, वाटर से करके हमारा फिनोल निकल बन जाएगा, जो बाकी साइड प्रोडक्ट है जैसे कि एनएच एचसीएल वगैरह वगैरह वो निकल जाएंगे। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, फिनोल प्लस N2 निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, एचसीएल। तो ये थी रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लेकिन पहले आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया है फ्रॉम एनिलीन, और जिस रिएक्शन में बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, इसको कहा जाता है। और फिर जिस रिएक्शन के लिए वाटर से, तो पहली रिएक्शन से रिपीट कर रहा हूँ, पहली रिएक्शन है एलोरिन से, दूसरी रिएक्शन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, और तीसरी रिएक्शन किससे है, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से। अब हम करने वाले हैं फोर्थ रिएक्शन, इससे भी खाना है फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन हमें करना क्या है, फोर्थ रिएक्शन हमें करना है फ्रॉम क्यूमीन। आप एक रिएक्टेंट लेके चलोगे क्यूमीन, और उस क्यूमीन से आप क्या बनाओगे, फिनोल। क्यूमीन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले आपने बेंजीन ड्रॉ करनी है। बेंजीन के ऊपर आएगा सी एच, लेफ्ट में CH3 और राइट में CH3। आप मुझे बता सकते हैं इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा? कॉमन नेम तो क्यूमीन है, इसका कॉमन नेम तो है क्यूमीन। कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्यूमीन जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है बेंजीन के ऊपर सी एच, लेफ्ट में CH3, राइट में CH3, इसका IUPAC नेम क्या होगा? प्लीज कोशिश करें और अपना आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। सही बच्चे, आप सही बच्चे, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें, जो भी आपका आंसर है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, गुड गुड। यस बिल्कुल सही, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हैं इसको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नहीं तो आप अगर आप नंबरिंग करोगे तो आप बोलोगे कि ये नंबर वन है, ये नंबर टू है, नंबर थ्री है, मेन चेन होगी हमारी ये, और बाकी जो बेंजीन हो गया बनेगा फिनाइल, तो कह सकते हो टू फिनाइल प्रोपेन, टू फिनाइल प्रोपेन, मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्यूमीन, और इस क्यूमीन में, इस क्यूमीन में सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऐड किया चीज में ऑक्सीजन, और दोनों ऑक्सीजन खा देगी सी के पास आ जाएंगी, कौन सा सी, ये वाला सी, ये वाला बीच में उसको मिल जाएंगे, और बाकी CH3 ऊपर का और राइट का वो सेम रहेंगे एज इट इज, उनमें कोई चेंज नहीं। फिर आप इसको एसिड कैटलाइज और वाटर से ट्रीट करोगे, एसिड कैटलाइज और वाटर से ट्रीट करोगे तो आपका बन जाएगा फिनोल, और क्या निकल जाएगा, फिनोल के बाद जो बचा हुआ CH3 COCH3 है, मतलब देखो आपका OH तो रिंग भी लगेगा, OH लगेगा रिंग पे, जो बचा हुआ CH3 COCH3 है वो मिलकर क्या बना लेंगे, दे विल फॉर्म एसीटोन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन जिसको हम बोलते हैं प्रोपेन टू ऑन। ये हमारी रिएक्शन थी चार मेन रिएक्शन, पहली हेलोरिन से, दूसरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, तीसरी फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से, और चौथी है फ्रॉम क्यूमीन से। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन है फिनोल की। कल तो आपने तीन की थी, एल्कोहल की प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप, फ्रॉम ग्रिग्नर्ड रीजन। ठीक है, तो आज आपने ये रिएक्शन किससे करी है, आप आज आपने प्रेपरेशन की है फिनोल की, तो प्लीज ये प्रेपरेशन एक बार जरूर रिवाइज करना, एल्कोहल की प्रेपरेशन भी और फिनोल की प्रेपरेशन, जितनी बार आप उनको रिवाइज करोगे आपको रिएक्शन याद होती जाएंगी, तो इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। तो हम लेने वाले हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। जितने भी अल्कोहल्स और फिनोल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट। तो आप मुझे खुद सोचो कि अगर हम इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें, एक तो होता है नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप, और एक है एल्कोहल फिनोल, तो किसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे? जैसे लेट्स सपोज अगर मैं कंपेयर करूं इथेन को, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इथेन को इथेनॉल से, तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वन का कि टू का? हूज बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर, वन मीन्स इथेन, टू मीन्स इथेनॉल। तो प्लीज अपना आंसर जरूर पोस्ट करें, हूज बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर, वन मीन्स इथेन, टू मीन्स क्या होगा? इथेनॉल। आप वन और टू मीन्स लिख सकते हो, अगर आप वन लिखोगे तो मतलब आप बोलना चाहते हो इथेन, अगर आप टू लिखोगे तो मीन्स आप लिखना चाहते हो इथेनॉल। तो प्लीज अपना आंसर जरूर पोस्ट करें, वन का मतलब आप आंसर होगा इथेन, टू का मतलब आपका आंसर होगा इथेनॉल। तो आपके अकॉर्डिंग किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप का या एल्कोहल का? ओके, सिमरनजीत, हरप्रीत, हरनूर, नवदीप, थ्री, बिल्कुल सही। बाकी बच्चे जरूर अपना ओपिनियन दें, जो भी उनको लगता है आंसर कि यार ये आंसर हो सकता है, कि मेरे अकॉर्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। आपके सामने नॉर्मल एल्काइल ग्रुप भी है, आपके सामने अल्कोहल भी है, और सभी का आंसर टू आ रहा है। मतलब सभी का कहना है कि कहते हैं कि जो नॉर्मल एल्केन्स हैं उनके कंपैरिजन में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और सेम अगर आप इनको भी कंपेयर करोगे, नॉर्मल बेंजीन को जो कि क्या है आपका वन, और आप कंपेयर करोगे फिनोल को, तब भी आप ये बोलोगे कि फिनोल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। मतलब नॉर्मल के कंपेरिजन में इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो कोई बच्चा मुझे दो लाइन, दो वर्ड्स में रीजन बता सकता है इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है कि नॉर्मल एल्केन्स के कंपैरिजन में अल्कोहल का ज्यादा होता है? यस, 1711 टू लवप्रीत, उपकार, वैभव, कोई रीजन दे सकता है कि ऐसा क्यों है? ऐसी क्या खास बात है अल्कोहल और फिनोल में जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल एल्केन्स के कंपैरिजन में हायर है? दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नॉर्मल एल्केन्स। जस्ट ट्राई एंड गिव मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि ऐसा खास क्या हो सकता है। अगर आप ध्यान से O को देखोगे, H को देखोगे तो आपको आंसर मिल सकता है। O को और H को देखते ही आपके सामने खास बॉन्डिंग दिमाग में आ रही है आपके, उस बॉन्डिंग का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू विच अल्कोहल के अंदर जो भी आपको खास बातें सुनने को देखने को मिलेंगी उन सबका एक रीजन होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द बॉन्डिंग व्हेन देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। बट यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो यही बॉन्ड जो होता है वो स्पेशल बॉन्ड है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। और आगे जब हम सोलिबिलिटी पढ़ेंगे वहां पे सोलिबिलिटी भी ज्यादा होगी इसी बॉन्डिंग की वजह से। और यह बॉन्डिंग आपने टी ब्लॉक में पढ़ी थी जब मैंने आपसे पूछा था कि वाई H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस, तब भी आपने रीजन ये कहा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है करके इसके बॉन्ड मजबूत है, HS में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तो उसके बॉन्ड वीक है, इसलिए वो H2S गैस है और H2 क्या लिक्विड है। और ये चीज आपने अमोनिया के अंदर ही पढ़ी थी, ठीक है, कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। दूसरा, अब आपके सामने मैंने वैसे आपको एक चीज और पूछी थी जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे हेलोएल्केन हेलोरीन, तो वहां भी एक क्वेश्चन आया था। मैं आज भी क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि मान के चलो आपके पास है ब्यूटेनॉल, एक आपके पास है ब्यूटेनॉल और एक आपके पास है दूसरा है आपके पास ब्यूटेन टू ऑल और एक है आपके पास ये, आपके पास तीन स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर नंबर वन जिसको आप बोल रहे हो ब्यूटेन वन ऑल,
है ब्यूटेन टू ओज, तीसरा आपके सामने है टू मिथाइल प्रोपेन टू ओज। तो चारों में, तीनों में आपको चार कार्बन दिख रहे हैं और एक ओ एच दिख रहा है। आपसे पूछूंगा इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट किसके होंगे, नंबर वन स्ट्रक्चर के, नंबर टू स्ट्रक्चर के, नंबर थ्री स्ट्रक्चर के, सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट। वन आपके सामने है, उसको आप क्या बोल रहे हो, ब्यूटेन वन ओल या ब्यूटेनोल। टू को आप क्या बोल रहे हो, ब्यूटेन टू ओल। और इसको क्या बोल रहे हो आप, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल बोल देता हूं मैं इसको। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट किसके होंगे, आप स्ट्रक्चर ड्रो करके मतलब वन टू थ्री लिख सकते हो, भावी सिंह थ्री, नवी सिंह वन, सिमरन सिंह वन, सबसे ज्यादा वन के होंगे। ओके ब्यूटेन, हाँ वन टू थ्री करके लिख सकते थे वैसे, आपको मतलब पूरा नाम लिखने जो है वन से मैं समझ आऊंगा कि आप पहला स्ट्रक्चर बोलना चाहते हो, टू थ्री। आप नंबरिंग से भी आप आंसर दे सकते हो, जल्दी आंसर हो जाएगा। और कोशिश सही बच्चे करें, आंसर सही बच्चे करें, मैं फिर कह रहा हूँ, गलत हो सही हो कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन कोशिश सभी बच्चों ने करनी होती है, आंसर सभी ने देना होता है। आंसर सही बच्चे करें, जो भी आपको लगता है कि सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट किसके होंगे। आपने ये चीज पढ़ी हुई है ब्रांचिंग वाली, कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है उसके अंदर फोर्सेस उतनी वीक होती हैं। ब्रांचेस वाली टर्म आपने हेलोल्केन हेलोल में पढ़ी थी, कि जहाँ पे ब्रांच होते थे, नियो में ब्रांच सबसे ज्यादा है तो उसके मेल्टिंग बॉलिंग पॉइंट सबसे कम होंगे। जितनी ब्रांच कम होगी उतने बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, तो ब्रांचिंग होने से बॉलिंग पॉइंट कम होने लग जाते हैं। ये चीज आपने हेलोल्केन के अंदर भी स्टडी की थी। तो जो राइट आंसर होगा होगा वन, क्योंकि इसके अंदर ब्रांचिंग सबसे कम है ही नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये सबसे ज्यादा होगा वन। टू में थोड़ी सी ब्रांच है उससे कम, थ्री सबसे कम होगा, तो सबसे हाईएस्ट जो आंसर होगा वो होगा वन। तो आपको याद रहेगा ब्रांचिंग वाला, जहाँ पे ब्रांचिंग होती है वहां पे बॉलिंग पॉइंट कम होने लग जाता है, क्योंकि वहां पर फोर्सेस वीक हो जाती है। तो ब्रांचिंग और बॉलिंग पॉइंट एक दूसरे से इन्वर्सली है, जहाँ ब्रांचिंग ज्यादा और बॉलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का वन। जो थ्री लिखे थे उनको ये चीज क्लियर रहे कि थ्री आंसर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी, नेक्स्ट है सोलिबिलिटी। तो ये तो सभी को पता है कि एल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर सोलिबल इन वाटर, और रीजन क्या होगा, देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय विच एल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर सोलिबल इन वाटर, आर सोलिबल इन वाटर, तो दे फॉर्म मिसिबल। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा, दे विल फॉर्म मिसिबल सोल्यूशन, मीन्स दे आर कम्प्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, मिसिबल सोल्यूशन इन वाटर। जैसे इनको वाटर में डालेंगे तो ये पूरी तरह पानी में घुल जाते हैं, और वो घुलने का रीजन आप सबको एक्सपेक्टेड था कि वही होगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी, इंटरमोलिकुलर, क्योंकि अल्कोहल एक अलग मॉलिक्यूल है, वाटर एक अलग मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंटरमोलिकुलर है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो तो उसको आप इंट्रा बोलते, दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो बहुत ही ईजी है, जो आपको इजीली समझ में आ रही है कि ये क्या करेंगे, दे विल दे आर सोल्युबल इन वाटर, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक आएगा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, ध्यान से देना एक बार, अगर आप समझ गए तो आपके लिए इजी रहेगा समझना। याद रखना कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, तो हम एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने वाले हैं, एल्कोहल केमिकल प्रॉपर्टीज समझने वाले, ध्यान सुनना। तो पहली प्रॉपर्टी हम एल्कोहल की पढ़ने वाले हैं, मान लो ये हमारे पास एल्कोहल है, हम पहली प्रॉपर्टी के अंदर क्या करेंगे, एल्कोहल है ये हमारा जनरल एल्कोहल है, हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे। हम क्या ब्रेक करेंगे, बॉन्ड, कैसे ब्रेक करेंगे, कुछ इस तरीके से, मतलब आप कह सकते हो जैसे क्लीवेज, ये क्लीवेज क्या हो रहा है, बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, ओवर चुका बॉन्ड है वो अलग हो रहा है उससे, ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्लीवेज ऑफ सी ओ बॉन्ड, जो सी का ओ से बॉन्ड है वो क्लीवेज होगा। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या होगा, दूसरी प्रॉपर्टी में होगा कि एल्कोहल का जो एच है उससे बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसको बोलेंगे क्लीवेज ऑफ, क्लीवेज मतलब ब्रेक हो रहा है, क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड। तो दो हमारे मेन टर्म्स लेंगी, एक वो जिसमें हम एच को निकाल लेंगे, एक वो जिसमें हम ओ एच को रिमूव करेंगे, इस तरीके से हमारी इसकी रिएक्शन चलेंगी, इस तरीके से हम रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। अब आप खुद सोचो, अगर हमने ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक करना है,
हमारे पास कैसा दिखेगा, ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जब हमारा ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास एल्कोहल कुछ ऐसा दिखेगा, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन और रिमूव होगा OH नेगेटिव। यहाँ पे हमारा बन रहा है कार्बोकटाइन। आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे चार तरह के इंटरमीडिएट होते हैं, हमारे एक होता है कार्बीन। तो मेरा सिंपल का क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनना और आंसर जरूर देना, पर आंसर जरूर देना कि हमारे पास एक है प्राइमरी अल्कोहल, एक है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल और एक है हमारे पास टर्शरी अल्कोहल। ये क्लीवेज सबसे जल्दी, सबसे ज्यादा स्टेबल क्लीवेज किसकी होगी, मतलब कौन सा अल्कोहल सबसे पहले क्लीवेज करेगा, याद रखना बनना क्या चाहिए, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ पे प्राइमरी में कार्बोकेटाइन बनने के बाद एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा उस कार्बोकेटाइन को, सेकेंडरी में दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे जिसको बोलते हैं प्लस इफेक्ट, और टर्शरी में तीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे उस कार्बोकेटाइन को, जो कब बनेगा, जब हमारा OH चला जाएगा, जब हमारा क्या चला जाएगा OH, जिसको बोलते हैं प्लस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई ग्रुप, प्राइमरी में एक है, सेकेंडरी में दो है, टर्शरी में तीन है। तो मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि कौन सी क्लीवेज सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, प्राइमरी की स्टेबल होगी, सेकेंडरी की स्टेबल होगी या टर्शरी की स्टेबल होगी। प्राइमरी के लिए वन लिख देना, सेकेंडरी के लिए टू लिख देना कमेंट में, टर्शरी थ्री, विच विल बी मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल क्लीवेज सबसे ज्यादा स्टेबल क्लीवेज किसकी होगी, ना टर्शरी में ग्रुप लगे हैं टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू दैट कार्बोकेटाइन व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। टर्शरी में तीन एल्काइल ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर उसको स्टेबल करेंगे, सेकेंडरी में दो करेंगे, प्राइमरी में एक करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, प्राइमरी। कार्बोकेटाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस कमी को पूरी करने के लिए प्राइमरी में एक ग्रुप आ रहा है, सेकेंडरी में दो ग्रुप आ रहे हैं, टर्शरी में तीन ग्रुप आ रहे हैं। तो आपसे मेरा ये सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा अल्कोहल स्टेबल होगा। तो आप आंसर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से दे सकते हो। तो अभी आंसर प्राइमरी और टर्शरी के बीच में चल रहा है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सही आंसर भी दिख जाएगा कि मैंने बोला है कि कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आंसर 1 2 3 लिख सकते हो, डिग्री बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बना रहे हो अच्छी बात, डिग्री बना अकेला 1 2 3 से फॉर्म में लिख सकते हो। आप खुद देखो जो प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पूरा करने के लिए एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, सेकेंडरी में उस इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे, दो ग्रुप, और टर्शरी के अंदर उस इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए तीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे, तीन ग्रुप। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल वही होगा जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सबसे इलेक्ट्रॉन किसमें मिल रहे हैं, टर्शरी में। तो इसका मतलब जो राइट आंसर है वो टर्शरी है, टर्शरी में तीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, थ्री एल्काइल ग्रुप का एक्टिंग एज आर थ्रोइंग प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी का होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास ये बॉन्ड क्लीवेज की बात होगी तो हमारे अंदर बॉन्ड क्लीवेज में सबसे जल्दी टर्शरी का स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी की, जो आपकी आपको चीज याद रखनी है, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में टर्शरी का OH बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होगा। लेकिन अगर हमें बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है, आप ध्यान से देखना, अगर हमने बॉन्ड ब्रेक करना है अल्कोहल में O का H से तो हमारा क्या बनेगा उस केस में, हमारे उस केस में बनेगा एल्कोक्साइड, हमारा बनेगा एल्कोक्साइड प्लस H पॉजिटिव। तो अब हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज तीन तरह का अल्कोहल बनाएगा, एक प्राइमरी अल्कोहल भी बनाएगा, ये एल्कोक्साइड, इसको एल्कोक्साइड बोलते हैं। जब अल्कोहल का OH में से H चला जाता है तो उसको एल्कोक्साइड कहते हैं, एल्कोक्साइड। तो एक हमारे पास है प्राइमरी एल्कोक्साइड, एक है हमारे पास सेकेंडरी एल्कोक्साइड और एक है हमारे पास टर्शरी एल्कोक्साइड। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से प्राइमरी एल्कोक्साइड, सेकेंडरी एल्कोक्साइड और टर्शरी एल्कोक्साइड में से सबसे ज्यादा स्टेबल अब कौन होगा। पिछले केस में तो टर्शरी सबसे स्टेबल था, अब कौन सा होगा। आप आंसर 1 2 3 की फॉर्म में लिख सकते हो, 1 का मतलब प्राइमरी होगा, 2 का मतलब सेकेंडरी, 3 का मतलब टर्शरी। विच विल बी मोस्ट
आउट ऑफ दीज थ्री अब आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरिंग कंपाउंड बन रहे हैं। नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था लेकिन अब इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन रिच हो रहे तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा? यस लव प्रीति सिंह वन। सभी बच्चे ट्राई करें, देखो सही या गलत क्वेश्चन होता है लेकिन आंसर देना होता है। अब सभी बच्चे आंसर जरूर दें, आंसर जरूर दें, यस आंसर जरूर दें और बताएं क्या आंसर आ रहा है आपका। तो कहने का मतलब क्या है कि जब यस बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर दैट इज प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ से एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर कम अनस्टेबल करेगा, यहाँ पे दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर ज्यादा अनस्टेबल करेंगे, तो यहाँ पे तीन ग्रुप प्लस साइड इफेक्ट शो करके सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी करेंगे। तो सबसे स्टेबल होगा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि एल्कोहल के अंदर दो तरह की मेन रिएक्शन होंगी, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्कोहल का एच रिमूव होगा और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्कोहल का OH रिमूव होगा। जब OH रिमूव करना है OH नेगेटिव, तब टर्शियरी को रिएक्शन सबसे पहले करेगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। बट अगर एच पॉजिटिव लूज करना है तो वहां पे सबसे पहले कौन करेगा? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो ये कुछ ऐसी बात थी। इसके अलावा ये तो आपको पता चल गया कि जो एल्कोहल है वो भी एच पॉजिटिव लूज करेगा, और जो हमारा फिनोल होता है, जो फिनोल है वो भी एच पॉजिटिव लूज करेगा। और एल्कोहल क्या बनाता है? एल्कोक्साइड। फिनोल बनाता है फिनोक्साइड। जब भी एच पॉजिटिव लूज करते हैं तो फिनोल का बन जाता है फिनोक्साइड, फिनोक्साइड, और एल्कोहल का बन जाता है एल्कोक्साइड। मेरा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है, जैसे पिछले चैप्टर में जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते थे तो पहले आप थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते थे, जैसे वहां पर अपने थ्योरी पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, व्हाई हैलोरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हैलोएल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर हैलोएल्केन में अगर आपने थ्योरी पढ़ी SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑल दैट, वैसे यहाँ पे थ्योरी पढ़ने वाले हो कि एक आपके सामने एल्कोहल है वो भी एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है बाय लूजिंग एच पॉजिटिव आयन, फिनोल भी एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है बाय लूजिंग एच पॉजिटिव आयन। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इन दोनों में से जल्दी एच पॉजिटिव कौन लूज करेगा, मतलब विच इज मोर एसिडिक, इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एल्कोहल ज्यादा एसिडिक होंगे या फिर फिनोल ज्यादा एसिडिक होंगे? आप एक ऑप्शन चूज कर लो, फिर हम इसका रीजन भी समझेंगे क्यों ये आंसर आता है। ये यहाँ की केमिकल प्रॉपर्टीज का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इस चैप्टर में जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन वही हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल वाला। अब आपसे सेकंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहा है कि विच इज मोर एसिडिक आउट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। आप कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, फिर हम इसकी रीजन को भी समझेंगे ऐसा क्यों हुआ कि व्हाई दैट इज मोर एसिडिक देन अदर। तो आप एक ऑप्शन चूज करें और मुझे बताएं कि विच इज मोर एसिडिक एंड व्हाई आउट ऑफ, व्हाई हम अभी डिस्कस करेंगे, बट आप अभी ये चूज कर लो कि एल्कोहल इज मोर एसिडिक और फिनोल इज मोर एसिडिक। अभी दो आंसर आए हैं, हरनूर, लवप्रीत, बहुत सारे हैं एल्कोहल, बाकी बच्चे एक आंसर क्यों चूज कर लें, आंसर चूज कर लें, रीजन अभी हम समझेंगे, बस आपने चूज करना है। अभी सर आपका एक काम है कि आप चूज करें कोई एक और आंसर दें कि विच इज मोर एसिडिक, एल्कोहल की फिनोल, ट्राई करें और आंसर जरूर पोस्ट करें। सही बच्चे, सभी बॉयज से मेरी रिक्वेस्ट है, राजदीप, सिमरनजीत, उपकार, भावेश, एक ऑप्शन जरूर चूज करें, यस, बाकी गर्ल्स भी ट्राई करें, शाबाश, बाकी गर्ल्स भी ट्राई करें और अपना आंसर जरूर पोस्ट करें, जो भी आपको लगता है कि विच इज मोर एसिडिक। रीजन अभी हम समझेंगे। यस सिमरनजीत, ओके, हरप्रीत कौर, सतवीर, गुड। तो देखो ऐसा है कि जो राइट आंसर है कोई बात नहीं, जिन्होंने आंसर दे दिया अच्छी बात, जिन्होंने नहीं दिया अच्छी बात है, लेकिन दिया जरूर करें सही बच्चे आंसर। तो जो राइट आंसर है वो है फिनोल, फिनोल इज मोर एसिडिक। अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है कि व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक। तो देखो ऐसा है, फिनोल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। इसके पीछे कुछ कुछ वैसे ही रीजन है जो रीजन हैलोरिन्स के लेस रिएक्टिव होने वाले, वहां पे लेस रिएक्टिव होने वाले, वो रीजन है रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से एक तो फिनोल का जो एच है वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। कैसे एसिडिक हो जाता है? आप जब रेजोनेंस बनाते हो फिनोल के तो आप क्या देखते हो कि फिनोल के अंदर जो ओ लगा हुआ है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है
बेंजीन रिंग को रेजोनेंस करने के लिए। इससे क्या होता है कि फिनोल के अंदर ओ का जो एच से बॉन्ड है वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक का मतलब जो ओ है वो एच से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिंग को दे दिए, और जब रिंग को दे दिए तो रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे। दूसरी बात, एक तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, एच इज मोर एसिडिक, जो एच हो जाता है वो मोर एसिडिक हो जाता है। मोर एसिडिक का मतलब एच बन जाता है एच पॉजिटिव इजिली। एच पॉजिटिव इजिली, मतलब एच जो होता है वो इजिली एच पॉजिटिव बन जाता है, क्यों, रेजोनेंस से। दूसरा दूसरा रीजन है कि जब फिनोक्साइड आयन बनता है, जब क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन बनता है, वो फिनोक्साइड आयन भी स्टेबल हो जाता है बाय द रेजोनेंस। मीन्स आप दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, की रेजोनेंस की हेल्प से वो स्टेबलाइज हो जाता है। उससे स्टेबल होने का, फिनोक्साइड का स्टेबल होना और रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस की वजह से ही, दोनों दोनों बातें रेजोनेंस की हैं, कि रेजोनेंस की वजह से ही एक तो एच एसिडिक बन जाता है और एच के निकलने के बाद फिनोक्साइड आयन स्टेबल भी हो जाता है। तो आपको दो रेजोनेंस समझ में आने चाहिए, एक फिनोल के और दूसरे फिनोक्साइड आयन के, एक फिनोल के और दूसरे फिनोक्साइड आयन के। आपको क्या समझ में आने चाहिए, रेजोनेंस। अगर आपने दोनों के रेजोनेंस बना लिए तो आप इजीली ये चीज लिख सकते हो कि वाई फिनोल इज मोर एसिडिक